अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आज का टॉपिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको कहते हैं? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टेटिस्टिक डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड बाय द यूएन to measure in various countries level of social economic development. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वो टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, तो इसलिए आपने कॉल आपको मैंने किया। तकरीबन 7, 8 या 10 फोन कर लिए। लेकिन मैं घर पे नहीं था, मैं अभी आया। मैं 9 बजे से वेट कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैंने शायद आप इसीलिए अभी। आपको पहले से मैसेज किया था कि आप ऑनलाइन रहिए का, लेट हो गया था लेकिन आज। मैं जी मैम, तकरीबन 1 घंटा हो गया था जब आज आपने बहुत लेट मैसेज हो गया किया है था। जी, जी आपने शेयर कर लिया? जी बिल्कुल शेयर। ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्लास है, उसके बाद आपका मिड टर्म है, पेपर है आपका, ठीक है। जी मैम, आपने गाइडलाइंस का कहा था, आपको बताया भी था मैंने कि क्या आपको जो है ना वो पढ़ना है, ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है। टॉपिक आपको बताए थे मैसेज पर, वो बता दिए होंगे आई थिंक आपने क्लास को। ठीक जी मैम बता दी थी। है, तो अब ये देखें, ये एक और टॉपिक है, ये भी पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। जी मैम, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है मैम इसका। यहाँ पर एक बात पूछ लूँ। जी जब पूछिए मिड टर्म का पेपर होगा तो सर ने कहा था कि 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास, जी। 9 बजे से टाइम लेकर तीन 12। घंटे का होगा, लेकिन पेपर इस लिहाज से बनाया गया है कि वो 1 घंटे का ही काम है, आप उसको तीन ओके मैम, घंटे में कर सकते हैं, आपको अलाव है टाइम 3 घंटे का, और क्योंकि टॉपिक्स आप यही होंगे ऑनलाइन देंगे ना जिसमें पेपर। जी मैम, जिससे हमने टॉपिक्स यही होंगे जिसमें हमने पढ़ाई की है, या इसके अलावा और टॉपिक्स से भी आप कवर करेंगी? नहीं, वही टॉपिक है पेपर में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, टॉपिक तो ओके वही मैम, है, ओके और कोई ओके टॉपिक नहीं है। आप वही अच्छे तरीके से कर लें, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि और उल्टी सीधी इंग्लिश आपने लिख ली, उसमें आप कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे चेक करने अगर मैं बैठूं तो। सफ़े पर लिखकर पिक्चर लेकर आपको मतलब PDF बनानी है, या MS Word पे कर लें? अच्छा, ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, ओके बेहतर होगा कि आप वर्ड पे कर लें तो अच्छा सही रहेगा, वर्ड में सबमिट करवा लें वर्ड पे जी। करके, फिर और भी जिन मैं के आपको पास कंफर्म कर ओके लूंगी, ठीक है। और मैम, इसके अलावा एक बात ये कि ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं है आपके पेपर में, ठीक है, नो तो मैम ऑब्जेक्टिव्स। कितने क्वेश्चन होंगे फिर? देर आर टोटल 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन पांच पांच पांच। सवालात हैं, सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक सवाल 5 मार्क्स का है, ठीक है। ओके मैम, ओके सवाल में कुछ लिस्टिंग भी करनी होगी किसी में और कुछ एक्सप्लेन आपको करना होगा, तो देख लीजिएगा आप राइटिंग स्किल को अपनी इम्प्रूव करें, और जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के पेपर कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, जी, पेपर में वही है जो आपको पढ़ाया है। अच्छा, आप देखें इसमें सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मेरा बेटा उठ गया है, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, ठीक है।
जी वेलकम बैक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम पढ़ रहे थे किसको कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिक डेवलपमेंट कंपाइल्ड बाय द यूएन टू मेजर इन वेरियस कंट्रीज लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज कंपोज्ड ऑफ फोर प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट: मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, life expectancy at birth, gross national income per capita. This index is a tool used to follow changes in development levels over time and to compare the development levels of different countries. Human development index jo hai wo basically UN yani United Nations ne isko compile kiya hai, और इसका जो मकसद है, बुनियादी मकसद इसका ये है कि ये देखना होता है कि भाई सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री में उसका लेवल क्या है। माशरती तौर पे कोई भी माशरती तौर पे माशी तौर पे कोई भी कंट्री जो है वो कितना डेवलप है। ह्यूमन डेवलपमेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंसान की तरक्की का जो है ना वो इंडेक्स है। उसमें देखें जो बुनियादी इंटरेस्ट के इसमें प्रिंसिपल एरियाज हैं वो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग नॉर्मली 3 होते हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। और सबसे पहले इसमें जो होता है वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है। ठीक है जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी के तालीम के जो साल हैं वो, ठीक है, कि कितनी तालीम हासिल की है किसी भी कंट्री में जो ह्यूमन है, जो पीपल हैं, उनके एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या हैं, कितने साल वो स्कूलिंग करते हैं, कितने साल वो तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, 16 ईयर्स, 14 ईयर्स, 10 ईयर्स। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी पैदाइश के बाद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो कितने साल लाइफ रहते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती, कितने ईयर्स पर मबनी है। तो जापान वगैरह हो गए, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेट ज़्यादा है, मतलब वो उनकी क्योंकि लाइफ उनकी उम्र जिसको कहते हैं कि वो भाई उनकी अच्छी खासी होती है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर जो है वो अच्छा है। और इसके अलावा ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी पर कैपिटा पर हेड इनकम क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम। दिस इंडेक्स इज अ यूज टूल टू फॉलो चेंजेस इन डेवलपमेंट लेवल्स ओवर टाइम। हमें ये देखना होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन तीनों फैक्टर्स में, एक तो स्कूलिंग यानी एजुकेशन आ गई, दूसरी लाइफ के ईयर्स आ गए। ठीक है, लाइफ ईयर्स, एवरेज लाइफ क्या है, इसका मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि एवरेज लाइफ क्या है किसी भी कंट्री में पीपल की। ठीक है, एवरेज एजुकेशन क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, ये तीन फैक्टर्स हैं। द HD आप देखें इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स मोर प्रिसाइजली ऑन देयर अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज सेटिस्फाइंग वर्क एंड लाइव्स। हमें इंडिविजुअल्स पर इसीलिए फोकस करना होता है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि उनके पास कितने मौके हैं, वो कितने सेटिस्फाई हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनकी लाइफ जो है ना वो कैसी है, ये सब हमें देखना होता है। तो इसके लिए हम ये फैक्टर्स जो है ना वो हमने क्या किए हैं, सपोज किए हैं भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, इवेल्यूएटिंग अ कंट्रीज पोटेंशियल for individual human development provides a supplementary metric for evaluating a country's level of development besides considering standard economic growth statistic such as GDP। अब development जो है
बिल्कुल स्टार्ट के आपको चैप्टर में बताया था, इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन भी आती है उसमें, लाइफ स्टैंडर्ड आता है उसमें, हेल्थ आती है, सब कुछ आ जाता है। और एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ आ जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी तरह जो है ना, वो इन सारी चीजों को लिया गया है। लाइफ जो है, लाइफ के इयर्स उसी वक्त इंक्रीज होंगे जब आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जब आप सेटिस्फाई होंगे, जब आपको कोई टेंशन नहीं होगी लाइफ में। तो आपको ये जो लाइफ के इयर्स हैं, जो मीन इयर्स हैं, वो खुद ब खुद जो है ना, वो बेहतर हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जीडीपी अच्छी होगी तो जीडीपी शो करती है कि आप की इनकम क्या है। और आपकी इनकम अगर अच्छी होगी तो आप जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा सहूलियात को अवेल कर सकते हैं। दिस इंडेक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एग्जामिन द वेरियस पॉलिसी चॉइसेस ऑफ नेशंस। फॉर एग्जाम्पल, टू कंट्रीज हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम जीएनआई, यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, देन इट कैन हेल्प टू इवेल्युएट व्हाई दे प्रोड्यूस वाइडली डिस्परेट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स। प्रोपोनेंट्स ऑफ द एचडीआई होप इट कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट सच प्रोडक्टिव पब्लिक पॉलिसी डिबेट। बहुत सारी कंट्रीज में जो ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, पॉलिसीज इसलिए भी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो वहाँ पर जो ह्यूमन है, वहाँ की स्कूलिंग, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रेट हैं वो अलग होते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमें मदद देता है ये सब कुछ समझने में कि कोई भी कॉम, कोई भी कंट्री कोई पॉलिसी क्यों चूज करती है। हाउ इज द एचडीआई मेजर्ड? द एचडीआई इज अ समरी मेजरमेंट ऑफ बेसिक अचीवमेंट लेवल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। द कंप्यूटेड एचडीआई ऑफ अ कंट्री इज एन एवरेज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ द लाइफ एस्पेक्ट्स दैट आर एग्जामिन। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ एंड एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ईच ऑफ द फोर कॉम्पोनेंट्स इज नॉर्मलाइज टू स्केल बिटवीन 0 एंड 1, एंड देन द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द थ्री कॉम्पोनेंट्स इज कैलकुलेटेड। अब इसके बारे में बताया हुआ है कि एच डी आई जो है, ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स, ये एक समरी है डिवेलपमेंट की। आप कितना डिवेलप हैं अपने कंट्री में, इसकी समरी बताई हुई है कि भाई ये एक समरी है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं। जब हम ये कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के बाद, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ज्योमेट्रिक मीन, और 0 से 1 के बीच में होगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ाई होगा स्टेट्स में, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से आप एच डी आई कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एस्पेक्ट्स देखे बताए हुए हैं कि ये जो समरी है इसमें आप ये देखते हैं लॉन्ग हेल्दी लाइफ। अब लॉन्ग प्लस हेल्दी लाइफ, ठीक है, एक तो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए प्लस हेल्दी भी होनी चाहिए। ठीक है, एच डी आई में ये जरूरी है। एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग का, लाइफ का एक अच्छा स्टैंडर्ड, मतलब आप जो आपकी डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, वो आपकी फुलफिल आप कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, प्लस आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, अच्छी एजुकेशन आप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग हेल्दी लाइफ एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस जीडीपी आपकी आ गई। ठीक है, जीएनपी या जीडीपी पर कैपिटा आ गई। तो ये तमाम कंपोनेंट्स हैं जिनको हम रेट करते हैं, रेटिंग करते हैं इनकी 0 से 1 के दरमियान, और रेटिंग करने के बाद, स्केलिंग करने के बाद हम उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम कहते हैं जिसको। ठीक है,
The health aspect of the HDI is measured by the life expectancy. हेल्थ एस्पेक्ट को आप कैसे मेजर करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर करते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस के आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है. ठीक है, अब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए भी बहुत यूजफुल होती है. जब भी इनका दावा चल रहा है वो लाइफ को जो है ना वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने साल कौन जो है ना वो लाइफ रहेगा. उसके बाद लाइफ को मेजर करने के बाद वो पॉलिसीज वगैरह अपनी बनाते हैं. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीनिंग के आपकी एवरेज लाइफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ आपकी क्या होगी. ठीक है, एज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ इन ईच कंट्री. बर्थ के टाइम पे यानी पैदाइश के टाइम पे इसको कैलकुलेट किया जाता है. नॉर्मलाइज सो दैट दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 20 एंड इक्वल टू 1 व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 85. अब ये देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताया हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीरो होती है उस वक्त. जीरो क्यों मेजर किया जाता है? हम उसको जीरो के बराबर कर देते हैं जब आपकी लाइफ जो है वो 20 एक्सपेक्टेड होती है. ठीक है, जब किसी की अगर कोई भी है उसकी लाइफ 20 इयर्स एक्सपेक्टेड होगी तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रेट देंगे जीरो. एंड व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 85, अगर 85 इयर्स होगी तो आप उसको वन की रेटिंग आप करेंगे, वन आप उसको स्केलिंग करेंगे वन से. ठीक है, Education is measured on two levels, the mean years of schooling for residents of a country and the expected years of schooling that a child has at the average age for starting school. दो लेवल हैं जिस पर आप एजुकेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री in the expected years of schooling that a child has at the average age for starting school. पहली बात के residents जो हैं यानी के जो किसी भी country के रहने वाले हैं वो कितने साल average school में गुजारते हैं. ठीक है, schooling करते हैं. schooling में आपकी colleges और universities सब कुछ आ गई. ठीक है, schooling से मुराद सिर्फ schools नहीं है, schooling में सब कुछ आ गया आपका. यूनिवर्सिटीज भी आ गई, कॉलेज भी आ गई, सारे सब कुछ आ गया. तो आप मीन ईयर्स देखते हैं कि मीन ईयर्स क्या हैं, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड ईयर्स क्या हैं, यानी कि आप कितने ईयर एक्सपेक्ट करते हैं स्कूलिंग में. दे आर ईच सेपरेटली नॉर्मलाइज सो दैट 15 मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग equals 1 and 18 years of expected schooling equals 0 and a simple mean of the two is calculated. दोनों को calculate करके इसके बाद उनका mean निकाला जाता है. Hold कीजिए. उसामा, क्लास लेने के लिए कोई आया क्यों नहीं है? सिर्फ चार बच्चे हैं, चार भी नहीं है मैम के साथ, चार है. अरे क्यों कोई नहीं आ रहा यार? इस टाइम पे लाइट का तुम्हें पता है ना इशू होता है. तो
अब बंदा क्या ही बोल सकता है। इस टाइम शायद लियारी साइड की लाइट नहीं होती काफी एरियाज की, तो हो सकता है इस वजह से। मैम ने बोला होल्ड कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैम कहीं चली गई। रुको, सामा आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। और ये शिराज लोग कहाँ पर है यार? पता नहीं, पूछ लो ग्रुप में वगैरह में। शिराज लोग आ जाते तो मस्ती शोभा मेला लग जाता। हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या करना है। भी ऑफ हो गया, नहीं तो थोड़ी देर पहले तक तो वो भी ज्वाइन।
जलाल दूसरा सेशन भी अभी होगा। हेलो
वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मैम आवाज आ रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंटिन्यू कर रहे थे हम। अच्छा, टाइम तो अब इस सेशन का खत्म होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि बीच में जो है ना वो क्यों वक्फा आ जाता है। एक्चुअली कहाँ पर थे ये, हम इसी में थे ना, मेजर को पढ़ रहे थे। हाँ, असल में मेरा बेटा बीच में उठ जाता है तो इस वजह से जाना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो लॉस हो जाता है आपका, इसको आखिर में एक सेशन रख के कवर किया जाए, ठीक है? जी जी मैम, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो इसमें आप देखें, मेजरमेंट को हम पढ़ रहे थे, हाउ टू मेजर HDI। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइफ होती है उसको आप कैसे मेजर करते हैं। लाइफ को ऐसे मेजर किया जाता है कि अगर लाइफ जो है ना वो 20 ईयर्स एक्सपेक्टेड हैं तो उसको 0 से रेटिंग करेंगे। अगर 85 ईयर होगी तो फिर 85 एक्सपेक्टेड लाइफ है। ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ, ठीक है? वी कैन नॉट मेजर लाइफ इन रियल। हम हकीकत में उसको मेजर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं हम लाइफ को, कि लाइफ एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है? अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है तो हम उसको 1 से रेटिंग करेंगे। इसी तरीके से एजुकेशन में भी 2 लेवल हैं। एक लेवल वो है जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, यानी अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान